इलेक्शन कमीशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया का चुनाव करवाया जाता है, क्योंकि हर गांव में विकास हो सके, सड़कें नाले इन सभी समस्याओं से ग्रामीणों को निजात मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वीट टीवी, मैं हूं सत्यम और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं फाजिलपुर सकरामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवक अनुज झा बाबा। इनसे हम बात करेंगे कि इनके पंचायत में, इनके क्षेत्र में पूरे 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य इनके द्वारा किया गया है, इनकी जनता इनसे कितना खुश है, आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए इनके क्या मुद्दे होंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जनता के क्वेश्चन हैं, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे, प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस पंचायत में क्या क्या विकास कार्य पिछले 5 साल में हुआ है और कहाँ कहाँ अभी भी काम अटकी हुए, कहाँ कहाँ अभी भी कार्य चल रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने सबसे पहले तो मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ अनुज झा हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, सिल्क टीवी पर। सिल्क टीवी पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त ग्राम पंचायत के फाजलपुर सकरामों की जनता की ओर से भी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, चूंकि अब आपका कार्यकाल पिछला 5 साल का लंबा कार्यकाल रहा, आगे भी आप चुनाव लड़िएगा, आगे भी कुछ न कुछ विकास के मुद्दे होंगे, चुनाव में अलग अलग मुद्दे रहते हैं, कैसा रहा आपका पिछला 5 साल का कार्यकाल, क्या क्या विकास कार्य था जिन पर आपकी नजरें सबसे ज्यादा थी? सबसे ज्यादा मेरा था कि मूलभूत सुविधा जो है हमारे गांव में गली कुची में कितना कीचड़ था, जो कि चलना फिरना मुश्किल था, पंचायत भर का बात बोल रहे हैं। और हमने संकल्प लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को PCC पे बुलाना मेरा पहला प्राथमिकता था, और पेयजल का जटिल समस्या था। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का काम आज से 2 साल पूर्व हमने पूरा किया। 15 वार्ड में पानी का समस्या निदान कर दी। थोड़ा सा समस्या बच गया कि जो वार्ड 2-3 किलोमीटर दूरी पे है और 40 घर छूट गया है, तो 40 घर जो छूटा हुआ है तो वो दूसरे वार्ड से जोड़ने का आदेश है, फिर लेकिन उस वार्ड में 200 घर की संख्या में है, अगर उस वार्ड से हम जोड़ते हैं तो 40 घर को पानी नहीं पिला पाएंगे। तो हम लोग BDO साहब से आग्रह किए हैं वार्ड सभा करके मुखिया जी के अध्यक्षता में, उसके बाद BDO साहब को हम दिए हैं लिखित कि उसमें छूटे हुए वार्ड में फिर बोरिंग किया जाए, जो कि सदा के लिए समस्या का निदान हो जाए। क्या लगता है जिस प्रकार से बड़े बड़े अखबारों में, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में या फिर बड़े राजनेता जिस प्रकार से ढिंढोरा पीटते हैं कि गांव में विकास की लहर दौड़ रही है, हर घर पानी पहुंच रहा है, हर गली पक्कीकरण हो रही है, गरीबों को घर मिल रहा है, क्या लगता है इस प्रकार का विकास आपके क्षेत्र में हुआ है या फिर क्या इस प्रकार का विकास 5 साल में कर देना संभव है? देखिए, हम अपने पंचायत का बात करते हैं और आप लोग जो आए हैं प्रत्येक वार्ड जाके जनता से रूबरू हो जाइए, ठीक है, हमारा मालिक है जनता। अगर जनता आपको बोलेगा कि आप पानी मिलता है, रोड सही है, बिजली व्यवस्था सही है, और सबसे और जटिल समस्या था राशन कार्ड का, और खास करके ग्राम पंचायत फाजलपुर सकरामा गांव में 3 वार्ड का गांव है, 2600 आबादी है, उसमें 7 गो कार्ड था, मेहतर, हरिजन, तांती, सर हमारे गांव में 12 जात से बिलोंग करते हैं। अभी 100% हमारे गांव में राशन कार्ड का व्यवस्था हो गया है, सब अनाज गरीब गुरुआ खा रहे हैं, बम बम कर रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से पानी की समस्या, जैसे 7 निश्चय योजना, गली नली पक्कीकरण या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब को पक्का मकान देना, ये विकास कार्य क्या लगता है कि हर गरीब को घर मिल जाना या फिर हर एक गली पक्की कर देना 5 साल में संभव है या इसके लिए और भी समय चाहिए? राशन कार्ड में जिनका नाम है उन्हीं को आवास मिलता था, प्रधानमंत्री आवास। जब अभी हम लोग के पंचायत में 2000 राशन कार्ड बना गरीब आदमी का, तो जब तक सूची में नाम जुट के नहीं आएगा उसको लाभ जब तक नहीं मिल जाता है तो गरीब का तो गरीब ही रह जाएगा। सबसे पहला प्राथमिकता है कि प्रत्येक गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास, दूसरा टर्म में आएंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता होगा हम आवास पे देंगे, आवास प्राथमिकता रहेगी आपकी दूसरे टर्म में। पहले टर्म में भी आपने काम किया, सड़क बनाया, नालियां बनाई, पानी पहुंचाया गरीबों तक, पर अगला चुनाव आने वाला है, इलेक्शन कमीशन कुछ दिनों में घोषणा कर देगी चुनाव की, क्या क्या विशेष मुद्दा रहेगा, क्या क्या विशेष ऐसी चीजें हैं जिन पर विकास करना बहुत जरूरी है? जी, मेरे पंचायत में
दो को उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, एक भूमंचक एक रामासी। आज तक साल भर बन के पूर्ण हो गया है, ना डॉक्टर का व्यवस्था है ना कि कोई बेड का व्यवस्था है, सिर्फ बिल्डिंग बन के रेडी है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र डॉक्टर नियुक्ति किया जाए और मूलभूत सुविधा टोटल उपलब्ध कराने का काम करे। हम एक बार मीडिया भाई से भी आवाज उठाए थे लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, पिछला 5 साल का आपका कार्यकाल हुआ, कौन सा ऐसा विकास कार्य था जिसे देखकर आपकी जनता सबसे ज्यादा खुश है या फिर आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है? कुछ ऐसे काम जिसे आपने पिछले 5 साल में किया वो हमें बताएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले मेरी पत्नी रानी देवी थी पंचायत समिति। पंचायत समिति के रीजन में हमने आंगनबाड़ी केंद्र 5 बनवाए, पुस्तकालय बनवाए, चौपाल बनवाए और 25 चप्पा कल लगवाए पंचायत समिति के फंड से। विकास कार्य लगातार आप पिछले 5 साल में करते आ रहे हैं, आने वाला चुनाव भी आपके विकास को ही देखकर आपको विजयी दिलाएगा। पर क्या लगता है आपको कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस हिसाब से पढ़ाई की कमी, साक्षरता की कमी है, जिस हिसाब से रोजगार की कमी है, क्या सड़कें नाले इन सभी चीजों का मरम्मतीकरण या सभी चीजों को बना देकर विकास पाया जा सकता है या फिर विकास लाया जा सकता है क्षेत्र में? देखिए, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हम लोग के यहाँ पंचायत से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए चला जाता है क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। सबसे दुख की बात है, यहाँ रोजगार जब तक नहीं होगा पंचायत और बिहार नहीं सुधर पाएगा। वही बात है, सड़क का निर्माण कर देने से, नाले का निर्माण कर देने से, घर घर पानी पहुंचा देने से, चलिए गरीबों को पक्का मकान दे देने से, क्या बिना साक्षरता, बिना रोजगार के ग्राम या फिर गांव का विकास संभव है? ऐसा आप जनप्रतिनिधि हैं इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं। जी देखिए, सबसे तो पहले शिक्षा है और शिक्षा अगर पढ़े लिखे आदमी अभी बीए में पास करके अभी हमारे समाज में 500 आदमी है जो कि बेरोजगारी अभी डलिया लाश से ढोने के लिए नहीं जा पाता है क्योंकि वो बीए पास पढ़े लिखे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे पहला तो सरकार को अमल रोजगार का करना चाहिए या फैक्ट्री, प्रत्येक पंचायत स्तर पर फैक्ट्री लगा देना चाहिए जो कि मजदूर को काम मिले। सरकार से हम लोग का यही आग्रह है। जैसे हमारे पंचायत में हाई स्कूल है, वहाँ टीचर का अभाव है, सबसे टीचर का व्यवस्था पहले किया जाए। विद्यार्थी अगर 700 है, टीचर 7 है, यही स्थिति है। और शिक्षा में सबसे पहले सुधार होना चाहिए। सरकार सारा व्यवस्था दे रही है लेकिन सिस्टम थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि आने वाला जो आपका कार्यकाल होगा, यदि जनता आपको वोट देती है, आपको विजयी बनाती है, तो वो कार्यकाल काफी होगा, पूरे क्षेत्र में विकास दिखने लगेगा पिछले आने वाले 5 साल में, क्या लगता है आपको? वो तो विकास का तो गंगा बहने का काम करिए रहे। हमने जो संकल्प लिए हैं उस संकल्प पूरा करने का काम करेंगे। सबसे पहले आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प लिए हैं और 80% आदर्श पंचायत का मूलभूत सुविधा सब उपलब्ध हो गया है लेकिन सरकार के द्वारा व्यवस्था भी टच नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री जी का 7 योजना का पूर्ण कर दिए, 15 वार्ड में कम पानी का समस्या हमारा क्लियर है। आप जाके जनता के बीच में प्रत्येक वार्ड जाके पूछ सकते हैं और रूबरू हो सकते हैं। और हमने चेक डैम बनवाए सिंचाई के लिए, किसान के लिए चेक डैम 2 बनवाए। अभी कम से कम 1,000 acres जमीन अभी पटवन होता है, अभी भी जाके चेक डैम में देखिए 6 पानी है मेरा। और किसान गेहूं मक्का उपजा रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे या फिर आप अपने विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव आने वाला है, इलेक्शन कैंपेन होगा, प्रचार होगी, ऐसे में काफी विरोधी खड़ा होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट आपके क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो अपने विरोधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप और अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों से अपील करेंगे, अगर हमने विकास किया है तो पुनः शासन सत्ता में लाने का काम करेंगे, अगर नहीं किया होंगे तो हमको नहीं मिलेगा। विरोधी कौन है? हमारा चुनाव लड़ता है जनता, नहीं तो आप पंचायत घूमिए और जनता से जाके पूछिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, जात का ब्राह्मण है लेकिन सभी जाति के लोग को लेके चलते हैं बैलेंस में,
आज केस मुकदमा से दूर रखते हैं, समाज को बैलेंस में बना के चलते हैं और जनता से जाके पूछे हमसे मत पूछिए। सिल्क टीवी भाई, आप हमारे पंचायत में जनता से जाके पूछिए कि बाबा क्या किया है, रानी देवी क्या किए हैं, इस सवाल जनता से पूछिए। हम तो अपना बड़ा क्यों करेंगे, आप जाके जनता के बीच में पूछिए। 15 वार्ड है, 15 वार्ड के जनता से जाके मिलिए और पूछिए कि बाबा ने क्या किया। इस प्रकार के ठसक में ये बात बोलना कि जनता से पूछिए, जनता बताएगी, ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि आपने अपने कार्यकाल में जरूर विकास कार्य किया होगा, क्योंकि कभी भी मुखिया खुलकर इस बात को नहीं बोलते कि आप जनता से पूछिए। हमेशा जनप्रतिनिधि कहते हैं कि आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा मैंने क्या काम किया है, पर जनता से पूछने का जहां तक बात है तो जरूर आपने विकास कार्य किया होगा और इस बात की भी पड़ताल हम करेंगे। ये हमारे साथ थे समाजसेवी समुखिया प्रतिनिधि अनुज झा उर्फ बाबा। इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल की भी विकास की सारी चीजें, सारी काम हमें बताई, अपने जनता को बताया और आने वाले 5 साल में क्या इनका चुनावी मुद्दा होगा, कौन कौन से चीजों पर इनकी नजर होगी, क्या क्या विकास कार्य और भी होना बाकी है, इन सभी चीजों पर इन्होंने अपना प्रकाश डाला। हमारे साथ बने रहिए सिल टीवी पर। ये वीडियो यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यदि इसे आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।